हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत करे होंगे, बहुत पढ़ाई करे होंगे। स्टूडेंट्स आपको मेहनत करना भी है, स्टूडेंट्स अभी आपका समय है ये मेहनत करने का, और हार्डवर्क कंसिस्टेंटली होना चाहिए स्टूडेंट्स। हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस, मंत्र स्टूडेंट यही है। सक्सेस पाना है तो यही मंत्र है। इट्स नॉट ऑब्वियस क्योंकि 90% लोग नहीं कर पाते, इट्स नॉट ईजी, बट अगर जो कर लेता है स्टूडेंट्स वो सक्सेस का स्वाद चखता है। तो स्टूडेंट्स इसी वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये उसका लास्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ इमेजेस पढ़ा था। स्टूडेंट्स हम इसमें और आगे बढ़ें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें स्टूडेंट्स, क्योंकि फ़ायदा सब्सक्राइब करने का तभी है जब आपके पास नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आए। देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये एक प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम मिरर के पैरेलल चलाएंगे, मतलब इसकी वेलोसिटी मैं इधर रखूँगा, ये इधर जाएगा। तो ऐसे केस में देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे वेरी करेगी। स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ पता है कि मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है स्टूडेंट्स उतने ही दूर इमेज बनती है। मतलब अगर ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स एक्स है ये, तो स्टूडेंट्स जो इमेज होगी, इमेज उसकी मिरर से अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स, ये भी एक्स डिस्टेंस होगा बिल्कुल, और ये भी इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया, तो फिर स्टूडेंट्स जो इमेज बनेगी उसकी अब यहाँ बनेगी स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा आपस मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ भी मिरर थी, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर उठ जाएगा तो मिरर भी ऊपर उठ जाएगी। एग्जैक्टली तो इससे आप साफ समझ पा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ने कुछ मान लेते हैं वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम टी, तो जो इमेज है वो भी वाई डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल कर लेगी इन टाइम टी, इन सेम टाइम। इसका मतलब पहली चीज कि पैरेलल टू मिरर अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, एकदम बात सही। स्टूडेंट यहाँ पे एक और एनालिसिस कि ये ऑब्जेक्ट तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ मैं मिरर को भी ऊपर नीचे कर रहा हूँ, मतलब उसके ही पैरेलल, मिरर के पैरेलल ही मैं मिरर को ऊपर सपोज कुछ वेलोसिटी दे दिया हूँ ऐसे। तब मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, चलो पहले एक काम करते हैं इस वाले केस को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें मैं ऑब्जेक्ट को भी रेस्ट रखता हूँ। ऑब्जेक्ट सपोज यहीं पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। अगर मिरर यहाँ पे होगा तब भी उसकी इमेज क्या बनेगी, यहीं बनने वाली है। अगर मिरर को थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ स्टूडेंट्स, मिरर को यहाँ कर दिया, तब भी तो उसकी इमेज यहीं बनेगी। तो एक बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो वहीं बनेगी अगर मिरर चलता भी रहे पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल टू इटसेल्फ चलने से इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं पिछला वाला केस ही कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ और ये जो मिरर है ये भी अपने ही पैरेलल जिस तरीके से मैंने एरो बनाया है उधर ही जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, अगर क्वेश्चन में मिरर की वेलोसिटी दी है तो आप मिरर की वेलोसिटी जो कि उसी के पैरेलल है उसको इग्नोर कर दीजिए। क्या बात समझ में, ये एक बात नोट करने की है कि मिरर की वेलोसिटी जो उसी के पैरेलल है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको हम भूल जाते हैं। एक क्वेश्चन में फाइनली आपको करके बताऊंगा, उसमें आपको इस बात का ज़्यादा एहसास होगा, ज़्यादा फीलिंग आएगी, तो वेट करें क्वेश्चन के लिए। तो आपको ये बात समझ में आई कि पैरेलल टू मिरर जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वही इमेज की वेलोसिटी होती है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराएंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, मिरर की तरफ आ रहा है सपोज, और अभी ये मिरर से कुछ एक्स दूरी पे है, तो हमें पता है मिरर के रेस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उतने ही दूर अपोजिट साइड जो है इमेज बनती है, ये भी एक्स होगा, है ना। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है सपोज डेल्टा एक्स इस साइड आ जाता है इधर की तरफ राइट हैंड साइड, तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के पास आ गया डेल्टा एक्स, तो फिर इमेज भी पास आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी, अब तो मिरर भी स्टूडेंट डेल्टा एक्स इधर आ जाएगी, एकदम बात सही समझ में आई। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों
मिरर के रेस्पेक्ट में डेल्टा एक्स ट्रेवल कर गए इन सेम टाइम। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि दोनों की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसने भी डेल्टा एक्स ट्रेवल किया इन टाइम टी, तो इसने भी डेल्टा एक्स ट्रेवल कर लिया इन टाइम टी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जैसे कि मिरर पे यहाँ पे कोई बैठ गया है बढ़िया से, और वो देख रहा है इसको भी, तो वो देखेगा कि दोनों ने सेम डिस्टेंस से ट्रेवल किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो मैग्नीट्यूड है उसका, दोनों सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए हम माइनस लगा देते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये है स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा खेल है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कब? ओनली फॉर वेलोसिटीज जब परपेंडिकुलर टू मिरर होती है स्टूडेंट्स। ये अब इसी को स्टूडेंट्स देखो हम थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हम क्या ले सकते हैं बोलो? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। और सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे ये माइनस यहाँ पे मैं इसको उधर लेके आता हूँ तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो चुका है। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स देखो कितना बन गया, क्या टू टाइम्स वी एम बन गया? टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मैं कह सकता हूँ हमेशा परपेंडिकुलर टू मिरर जो भी वेलोसिटीज है उनमें रिलेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टू। तो स्टूडेंट्स ये वाले फॉर्मूले की जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, याद रहेगा स्टूडेंट्स। तो यही है, खत्म हो गया स्टूडेंट, ये इतना ही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इतना सही है। अब देखो इस पे हम तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है हमेशा। तो देखो एक छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है स्टूडेंट्स, इसको मैं कहता हूँ एक्स, इसको कह देते हैं वाई। तो एक्स में जा रहे हैं सबके सब, सभी वेलोसिटी एक्स में है, और जो मिरर है वो भी देख रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, तो बड़ा ईजी है स्टूडेंट्स। अभी हमने कहा कि अगर वेलोसिटी सारी की सारी परपेंडिकुलर टू मिरर है तो इस केस में सीधे लगाओ फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। या तो ये लगा दो, या तो इसी से हमें क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टू। सब कुछ साइन के साथ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है स्टूडेंट्स? 6 है, तो +6 लिख दिया। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है स्टूडेंट्स? तो वो +5 है अपॉन 2। बस स्टूडेंट सॉल्व किया, देखो क्या आ गया, 12 आंसर आ गया, 12 माइनस 5 स्टूडेंट्स +7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की इमेज जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है ना स्टूडेंट्स। अब सपोज इसी में स्टूडेंट्स हम कुछ चेंज कर देते हैं कि जो मिरर की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, वो 6 इधर है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स मिरर के पास वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ भी है। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि सपोज ये 8 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट्स, 8 मीटर पर सेकेंड, तो आप सॉल्व करो, अभी वीडियो को पॉज करो, और क्वेश्चन यही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी आप जरा सॉल्व करो, इसको जल्दी सॉल्व करें स्टूडेंट्स, और आपको पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए, सॉल्व करो और वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो और फिर देखना स्टूडेंट्स। मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है? देखो जरा इसी, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मिरर की वेलोसिटी है या मिरर की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि उसी के पैरेलल है स्टूडेंट्स, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 8 मीटर पर सेकेंड है स्टूडेंट, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको भूल जाओ, उसको कुछ सोचना ही नहीं, भूल जाओ उसको।
और अगर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन सॉल्व है, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स वही है आंसर, क्या आया था स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। तो ईजी है स्टूडेंट्स, इतना ही है। अब मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, और सपोज ये 8 मीटर पर सेकेंड भी है, 8 मीटर पर सेकेंड एज इट इज लिख दिया मैंने, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये जो है 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर भी जा रहा है ऑब्जेक्ट। अब बताओ स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वीडियो पॉज करो आप और सॉल्व करो इसको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इससे सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, आपने आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, जिसने नहीं किया है वो अभी भी करें क्योंकि इसी से सीखोगे आप, तो खुद से नहीं करोगे और खुद से गलती नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख सकते, हार्डवर्क इसी को बोलते हैं, खुद की गलती को पहचानना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ हमें करना है वो ये कि जो मिरर की वेलोसिटी कंपोनेंट है पैरेलल टू इटसेल्फ उसको भूल जाओ, मतलब मैं इसको भूल ही जाऊंगा। अब मेरे लिए सवाल से इतना सा बचा क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई खड़ा होगा इंसान, उसको मिरर में जो इमेज की वेलोसिटी वो क्या थी वो पूछा है, तो मिरर की जो वेलोसिटी खुद की पर पैरेलल टू इटसेल्फ है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा ऐसा है तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो जो परपेंडिकुलर टू मिरर है वो तो हम सॉल्व कर चुके, परपेंडिकुलर टू मिरर बताओ क्या वेलोसिटी आई हुई है, वो लिख रखा है हमने बहुत देर से, उसको मैं अगर इसको मैं x बोलता हूँ और इसको मैं y बोलता हूँ तो वी आई इन x डायरेक्शन ऑलरेडी आ चुका है प्लस 7 मीटर पर सेकेंड आई क्या, ऐसे लिख सकते कि। और अब हमें चाहिए y डायरेक्शन में, तो सिंपल सा अभी ये भी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है पैरेलल टू मिरर वो इमेज को एज इट इज मिल जाती है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू मिरर तो इमेज भी ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड से भी जा रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितना हो गया प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, जे कैप बोलेंगे। तो फाइनली अगर सॉल्व करना है, लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, तो ऐड कर देंगे 7i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, तो बताओ स्टूडेंट्स बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या है, कैसे निकालोंगे। ये जो हमने पहले पढ़ रखा था स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या ये लगा दें स्टूडेंट्स बताओ, क्या लगा दें स्टूडेंट्स? नहीं लगा सकते डायरेक्टली, एक बात ध्यान रखें जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये है स्टूडेंट्स, इधर की तरफ क्या वेलोसिटी थी स्टूडेंट्स 8 मीटर पर सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 8 मीटर पर सेकेंड है, हमने जब वेलोसिटी ऑफ इमेज सॉल्व करना था तो इसको भूल गए। लेकिन फाइनली क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछ दिया, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी है, अब वापस आया वो, तो अब मुझे क्या है कि इसका यूज़ नहीं कर सकता मैं स्टूडेंट, ये गलत है क्योंकि ये जो था सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू मिरर जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट उसी के लिए वैलिड है। अगर मैं ये वाले कंपोनेंट को इंक्लूड कर लूँगा साथ में तो नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला फिर अप्लीकेबल ही नहीं है, तो नहीं अप्लीकेबल तो नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको ये वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपने निकाल लिया, जब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाला आपने तो आपने इसको 8 को नेगलेक्ट कर दिया और करना है स्टूडेंट्स। लेकिन अब अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है वो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है स्टूडेंट्स, देखो 6i कैप प्लस 8j कैप, तो लिखो उसको 6i कैप प्लस 8j कैप, और ये कितना आ गया 7 माइनस 6 मतलब i कैप और 8j कैप, 7i कैप 6 ये हो गया, तो कितना बच गया स्टूडेंट्स ये -2j कैप। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये आया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
तो स्टूडेंट्स ये आखिरी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है इसका मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, लेवल थोड़ा बढ़ाया है स्टूडेंट्स, आपको एक बार ऑनेस्टली ट्राई करना है स्टूडेंट्स, इसी को हार्डवर्क कहते हैं। आप देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार खुद से भी कॉम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन में आपको बता दूँ क्या दिया है। देखो एक्स वाई जेड एक्सिस आपको दिखाई हुई है, क्वेश्चन बोला है कि एक मिरर है जो कि वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है इस तरीके से, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक्स एक्सिस को फेस कर रहा है, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो मिरर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फेस कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने घूम रहा होगा, तो ये यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है चल रहा है उसकी वेलोसिटी दे दी स्टूडेंट्स इस तरीके से, मिरर की वेलोसिटी भी दे दी है स्टूडेंट्स। देखो उसमें सब सारे कंपोनेंट आ गए, आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये देख के घबरा जाते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ईजी है। कुछ पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आप चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। चलो स्टूडेंट वीडियो पॉज करो। ठीक है स्टूडेंट्स अब मैं बताने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स आपको खुद वीडियो पॉज करना है स्टूडेंट्स, ट्राई करना है, और वीडियो जब एक बार आप ट्राई कर लो तो फिर आप वीडियो ऑन कर लो, ऐसे ही आपको हर बार करना है। चलो मैं बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टू, ये जो फॉर्मूला है ये कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ और सिर्फ तब, मतलब उन वेलोसिटीज के लिए वैलिड है जो कि परपेंडिकुलर टू मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। तो मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन कौन सी है जरा देखो, मिरर खुद वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है तो मिरर के परपेंडिकुलर होता है एक्स, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है सिर्फ और सिर्फ एक्स में, मतलब जब मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स निकालना होगा तो मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूँगा, फोर माइनस फोर आई कैप को, और वेलोसिटी ऑफ मिरर में इसको कंसिडर करूँगा, एकदम बात क्लियर। तो सबसे पहले तो निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, तो उसके लिए यही फॉर्म लगाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, या यही लिखता हूँ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स, और वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स, इसका रिलेशन ये आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा टू आई कैप, और अपन ये टू को इधर लेके आ जाते हैं तो इंटू टू आ गया स्टूडेंट्स। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन ये तो निकालना है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन कितना है स्टूडेंट, माइनस फोर, सोचने का है ही नहीं, माइनस फोर आई कैप। सॉल्व करो स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया, ये फोर उधर जाएगा तो ये स्टूडेंट एट आ गया, एट आई कैप। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इमेज की जो भी वेलोसिटी होगी, इमेज यहाँ पे अगर इमेज बनी है तो इमेज का जो एक कॉम्पोनेंट है वो 8 मीटर पर सेकेंड है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप सोच लो एक बार, देखो कैसे सॉल्व हो चुका है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स उसका कोई यूज़ नहीं है, हटा उसको, देखना ही नहीं इसको, तो ये है ही नहीं स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं है इसको हटा देते हैं तो मिरर सिर्फ इतना ही है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कंक्लूजन यही देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स मिरर के पैरेलल, ये मिरर अब चल रहा है ऐसे, मिरर के पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ, इधर जो इस प्लेन में जो वेलोसिटी है उससे कोई मतलब नहीं मुझे, और जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमको दे रखी है, मैंने थोड़ा डायग्राम उल्टा बना दिया, तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये कुछ वेलोसिटी जा रहा होगा वी एक्स, और अगर ये वी वाई है तो स्टूडेंट्स वी वाई इमेज को एज इट इज मिल जाती है, राइट। तो फिर यहाँ वाई की जगह बोलना चाहिए मुझे वाई जेड, क्योंकि मिरर किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ, या पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। तो ये जो वेलोसिटी है एज इट इज किसको मिलने वाली है, इमेज को मिलने वाली है स्टूडेंट्स, तो बस खत्म। अगर मुझसे कोई बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई जेड प्लेन क्या है, तो ये उठाऊंगा और रख दूंगा 6j कैप प्लस k कैप, और हमसे फिर फाइनली पूछे वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया दिस प्लस दिस,
एट आई कैप प्लस सिक्स जी कैप प्लस के कैप, आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये है, अब यहाँ मैंने क्या लेवल बढ़ाया है स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, इसलिए ऐसा नहीं सोच सकते स्टूडेंट्स कि ये अपन बहुत लेवल का हो गया तो नहीं करना, लेकिन करना है क्योंकि आपको सारी बातें बताई भी तो है, बस ध्यान रखना है, करना है। अच्छा फाइनली अगर कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो कि ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना स्टूडेंट, सिक्स आई कैप प्लस सिक्स सॉरी एट आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस के कैप माइनस स्टूडेंट्स अब वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, तो ओरिजिनल वेलोसिटी थी वेलोसिटी ऑफ मिरर की टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, तो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, और अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सिक्स आई कैप प्लस थ्री जे कैप और यहाँ कितना आने वाला स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस जीरो। तो स्टूडेंट्स ये फाइनली इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, देखो समझना है तो आपको घुसना पड़ेगा उसके अंदर, मन मना के पेन और कॉपी लेके बैठना होगा तब जाके आपसे बनेगा। चलो अब आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग। जाते जाते मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन इसको प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप कोई वीडियो मिस ना करो। और स्टूडेंट्स आप कमेंट में बताओ कि क्या किस तरीके से मैं वीडियो को और बनाऊँ, क्या सुधार कर सकता हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ, लेवल कम करूँ, लेवल बढ़ाऊँ, ये सारी चीज़ कमेंट में लिखो ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूँ। ओके स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग।